ओके, पेपर टू का क्वेश्चन नंबर वन जो है आईटीएफ और लिमिट्स को कंबाइन करके बनाया गया था. इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है डिपेंडेंट ऑन एन एन एक्स, दैट इज सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 टू एन टैन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस जे इंटू एक्स प्लस जे माइनस 1. तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. ये आप याद करो तो आपको क्लास नोट्स में बहुत आसानी से बहुत हर बार मतलब आईटीएफ में बताया जाता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो हम इस फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे और इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई. तो अभी भी जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसी के ऊपर रहना चाहिए कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है 1 प्लस करके, जो कि इस फॉर्मूले में भी था 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और यही जो दो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस ऊपर लिखा होना चाहिए. तो अगर हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखें x प्लस जे और x प्लस जे माइनस 1 तो 1 आता है जो कि ऑलरेडी ऊपर लिखा है. यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली 1 प्लस x प्लस जे इंटू x प्लस जे माइनस 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था. इन दोनों का डिफरेंस मैंने ऊपर क्रिएट कर लिया. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन यूजिंग दिस फॉर्मूला एज सिग्मा जे इज इक्वल्स टू 1 टू n टैन इनवर्स x प्लस जे माइनस टैन इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस 1. अब हमें j की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखनी है. ठीक है, तो जब हम j को 1 रखेंगे तो द फर्स्ट टर्म बनेगी दैट विल बी टैन इनवर्स x प्लस 1 माइनस टैन इनवर्स x प्लस सेकेंड टर्म j को 2 रख देते हैं दैट विल बी टैन इनवर्स x प्लस 2 माइनस टैन इनवर्स x प्लस 1. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट दीज टू टर्म्स ऑन एडिशन विल गेट कैंसल्ड. सो सिमिलरली जैसे जैसे हम टर्म्स लिखते जाएंगे सब ऐसे ये जो करस्पॉन्डिंग डायगनल टर्म्स से कटती चली जाएंगी. तो मैं डायरेक्टली जे को एन रखता हूँ लास्ट टर्म तक पहुँचता हूँ दैट विल बी टैन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 1. तो दिस टर्म इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल हो गई होगी. सो ऑन एडिशन द फंक्शन हमारा है एफ एन एक्स दैट बिकम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एन माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक, ये फंक्शन बन गए. अब आप ध्यान से अगर देखें तो हमें फंक्शन एफ एन जो है वो डिफाइन कर रखा है ओपन 0 टू इन्फिनिटी से लेकर आर तक. ठीक, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन के ऊपर जाते हैं. तो ए ऑप्शन में अगर आप देखें तो हमसे पूछ रहा है टैन स्क्वायर एफ जे जीरो. एफ जे जीरो का मतलब है एन को तो जे रख दिया और एक्स को जीरो रख दिया. हम एक्स को जीरो रख ही नहीं सकते क्योंकि डेफिनेशन में ओपन 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन डिफाइन कर रखा है. तो ए ऑप्शन तो डिफाइंड ही नहीं होगा, इसकी हम बात नहीं करें. सिमिलरली बी ऑप्शन में भी यही प्रॉब्लम है, एक्स को इन्होंने जीरो रख दिया जो कि डोमेन में नहीं है तो हम नहीं रख सकते. अब बात करते हैं सी और डी ऑप्शंस की. तो चेक करना है तो हम टैन ऑफ एफ ऑन एफ एन एक्स निकाल रहे हैं. तो अगर मैं इसका टैन लेना चाहता हूं एफ एन एक्स का, टैन ऑफ दिस फंक्शन विल बी टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स. तो दिस बिकम्स ए एंगल एंड बी एंगल, टैन ऑफ ए माइनस बी दैट इज टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी. एक्स गेट कैंसल्ड सो दिस बिकम्स एन अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एन इंटू एक्स है ना, तो दिस विल बिकम एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक, दिस बिकम्स द फंक्शन. नाउ द क्वेश्चन इज इन सी ऑप्शन दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी टैन ऑफ दिस दैट मीन्स एन अपॉन 1 प्लस एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ये लिमिट कैलकुलेट करनी है हमको. ठीक है, तो अगर ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है x इन्फिनिटी पे जा रहा है n कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ऊपर कॉन्स्टेंट और नीचे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा होगा तो लिमिट जीरो आएगी. जबकि सी ऑप्शन में लिमिट दे रखा है 1 बाय एन के बराबर तो वो भी गलत हो गया. अब डी ऑप्शन के अंदर जाते हैं, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी सीकेंट स्क्वायर टैन ऑफ एफ एन एक्स निकालना है. तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एफ एन एक्स लिख सकता हूँ. ये मैंने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हम टैन एफ एन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. तो दिस विल बिकम 1 प्लस दैट इज एन अपॉन 1 प्लस एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी. सेम अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एन कॉन्स्टेंट है तो ये पूरा जो पार्ट है कॉन्स्टेंट सम कॉन्स्टेंट अपॉन इन्फिनाइट विल टेंड टुवर्ड जीरो. तो फाइनल जो लिमिट है वो किसको टेंड करेगी, 1 को टेंड करेगी. और डी ऑप्शन में 1 ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर सही हुआ, दैट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी.